कुंदन बाग हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े घर, सीनिक पार्क्स और ग्रीनरी लोगों को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी एरिया में एक ऐसा घर भी है जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से कुंदन बाग में बने एक घर पर नजर रख रहा था। वो काफी बड़ा था और साजिद को पता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उस घर में काफी अमीर लोग रहते होंगे जिनके पास खूब सारे पैसे और गहने भी मिलेंगे। पर उस बड़े से घर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, ना ही कोई वहां आता था और ना ही कोई वहां से जाता था। साजिद रोज घर से थोड़ा दूर खड़ा होकर अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखा करता था। वो ये नोटिस करता था कि आखिर घर में कौन कौन था और वो लोग रात में कितने बजे सोने चले जाते थे। साजिद ने एक रात उस घर में चोरी का प्लान बनाया। उस रात कुछ देर तक वो घर से दूर खड़ा रहा और लाइट बंद होने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गईं और साजिद पीछे वाली खिड़की से दबे पांव घर के अंदर घुस गया। पहले साजिद ने ग्राउंड फ्लोर टटोला मगर उसे वहां ना पैसे मिले ना ही कोई कीमती सामान। वो अभी नीचे वाले फ्लोर पर ही था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में रखे एक पुराने कबर्ड में छुप गया और कबर्ड के दरवाजे के बीच से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी और वो धीमी सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो औरत नीचे उतर कर कुछ देर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और घर के मेन डोर की तरफ देखती रही। साजिद को उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे थे, मानो वो न जाने कितने दिन से सोई न हो। उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो औरत किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप अंदर चली गई। साजिद कबर्ड से बाहर आया, उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़े हुए ऊपर जाने लगा कि तभी किचन से उस औरत की चीखने की आवाज आई। साजिद एकदम से डर गया और वो जल्दी से दबे पांव किचन की तरफ गया। उसने देखा कि वो औरत एक कोने में बैठी रो रही है और उसके हाथ में भी एक चाकू है और वो उस चाकू से जमीन पे कुछ खुरच रही है। उस औरत को देखकर साजिद थोड़ा घबराने लगा था, तो उसने सोचा कि वो जल्दी से छोटी मोटी चोरी करके वहां से निकल जाएगा। साजिद सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा ही था, उसने देखा कि एक औरत बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी उसे देख रही थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी बूढ़ी मां का लग रहा था। उसकी भी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। साजिद ने हाथ में पकड़ा चाकू उस औरत को दिखाकर डराने की कोशिश की, मगर उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो औरत हंसने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गईं। वो हंसते हंसते बेडरूम के अंदर चली गई। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खुला, साजिद को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बेड पर तीन लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और हैरानी वाली बात तो ये थी कि दो लाशें उन्हीं लोगों की थीं जिन्हें साजिद ने अभी कुछ मिनट्स पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज डीकंपोज होने लगी थी जिसकी वजह से उनसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सीधा घर के बाहर भागा। उसने सोचा कि इस हालत में अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे चोर नहीं बल्कि खूनी समझा जाएगा। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस की एक टीम साजिद को लेकर तुरंत उस घर में पहुंची। घर के मेन डोर पर और उस दीवार पर ढेर सारे खून के छींटे थे। ये देखकर सभी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वहां सच में तीन लाशें थीं। पुलिस ने उन लाशों को तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया
और उन्होंने यही मान लिया कि साजिद ने ही उन तीनों औरतों का मर्डर 4-5 दिन पहले किया होगा और मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए उसने ये कहानी बनाई है। मगर कुछ ही दिनों में उन बॉडीज की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस भी बहुत शॉक में पड़ गई। उन लोगों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को बेडरूम के पास से एक फिनाइल की बोतल भी मिली। मगर सबसे ज्यादा डरावना एविडेंस था काला जादू करने का सामान। घर में ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ था। उस बेडरूम की सीलिंग पर एक बहुत अजीब सा पैटर्न बना हुआ था जो कि खून से बनाया हुआ लग रहा था। जब पड़ोसियों तक ये खबर पहुंची तो सबका दिल बुरी तरह दहल उठा। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो लाश 6 महीने पुरानी थी, क्योंकि पड़ोसी तो उस घर में रहने वाली औरतों को लगभग रोज ही घर की बालकनी में घूमते देखा करते थे। यही बात बार बार साजिद भी पुलिस से कह रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लोग रोज खाना खाने के बाद टहलने बाहर आते थे और कई लोगों ने इनके घर में लाइट्स ऑन ऑफ होते देखी हैं। ये सब सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। उन्होंने उस पड़ोसी से और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि उस घर में 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी माँ और उनकी 2 बेटियां। वो तीनों ही बेहद अजीब से थे और किसी से बात नहीं करते थे। उस घर के ओनर विश्वनाथ की डेथ के बाद उस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थीं। पुलिस ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि उन तीनों लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और उन तीनों की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, जबकि नेबर्स और साजिद की स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग थी। 2002 में हुए इस केस के बाद से कुंदन बाग के इस घर को लोग विचेज लायर बोलने लगे। आज के समय में कई टूरिस्ट्स इस घर को देखने आते हैं और वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या होगा। आपको क्या लगता है, कुंदन बाग विचेज लायर से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर रिवील की हैं, तो जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज खूनी मंडे को फॉलो करो और देखो इस घर से रिलेटेड और भी कई सारी बातें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करो।